वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एमजी एस्टर एंड होंडा एलिवेट के बीच में। हम इन दोनों एसयूवीज के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स एक्सटीरियर लुक्स, इंटीरियर, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, डायमेंशंस, मतलब कि हर एक डिटेल कवर करेंगे। सो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं। लेंथ की बात करें, आपको एलिवेट में 4312 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड एस्टर में आपको 4323 mm की, सो यहाँ पे विनर है एमजी एस्टर। विड्थ की बात करें, विड्थ आपको एलिवेट में 1790 mm की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड एस्टर में आपको 1809 mm की, सो यहाँ पे विनर है फिर से एमजी एस्टर। हाइट आपको इन दोनों गाड़ियों में एकदम सेम देखने को मिलेगी, 1650 mm की। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, आपको एलिवेट में 2650 mm का व्हील बेस एंड ह्यूज 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ऑन द अदर साइड एस्टर में आपको 2585 mm का व्हील बेस, उसके साथ 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बूट स्पेस आपको एलिवेट में 458 liters का बूट देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड एस्टर में आपको 448 liters का। सो यहाँ पे विनर है होंडा एलिवेट विद बिगर बूट। सो जैसा कि आपने देखा, इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बीच में 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी होंडा एलिवेट में, उसके साथ आपको बूट स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर अगर आप इन दोनों गाड़ियों को रियल लाइफ में देखेंगे एक साथ, आपको कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला, क्योंकि इतना भी फर्क नहीं है डायमेंशंस में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटर्नल लुक्स एंड फीचर्स के बारे में। फ्रंट लुक की बात करें, आपको इन दोनों गाड़ियों में फुल LED हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद DRLs एंड फॉग लाइट, बाकी आप लुक देख ही पा रहे होंगे। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इन दोनों गाड़ियों में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद अंडरबॉडीज कटिंग ब्लैक में टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स विद बॉडी कलर डोर हैंडल्स ORVM में आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा एंड ब्लैक पिलर्स। बैक लुक की बात करें, बैक में आपको इन दोनों गाड़ियों में LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद रिफ्लेक्टर्स डाउन साइड द बम्पर विद रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर, रियर स्पॉयलर जैसे फीचर्स के साथ। रूफ की बात करें, रूफ में आपको इन दोनों गाड़ियों में रूफ रेल्स विद शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, पर आपको MG Aster में फुल पैनोरामिक बड़ा सनरूफ देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड एलिवेट में आपको छोटा सनरूफ, सो यहाँ पे विनर है MG Aster विद बिगर सनरूफ। सो अगर कंपेयर करें इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, ऊपर वाला MG Aster का और नीचे वाला होंडा एलिवेट का, आपको MG में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड एलिवेट में आपको सेमी डिजिटल, बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में बड़ा 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स के साथ। उसके साथ आपको इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पर अगर बात करें आपको MG Aster में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे, आपको MG Aster में 360 डिग्री कैमरा, वॉइस कमांड, ड्राइवर इलेक्ट्रिक सीट, फुल पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे ओवर होंडा एलिवेट में। एंड अगर बात करें आपको होंडा एलिवेट में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे ओवर MG Aster, होंडा एलिवेट में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, उसके साथ ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। सो ये सब फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे इन होंडा एलिवेट। बाकी आप कमेंट करके बता देना आपको कौन सा इंटीरियर पसंद आया एंड कौन से फीचर्स प्रैक्टिकल हैं। उसके साथ आपको इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद ऑल स्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स प्रोवाइड करके देगी दोनों कंपनीज। सेफ्टी वाइज आपको इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे ढेर सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड उसके साथ आपको इन दोनों गाड़ियों में ADAS के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यहाँ पे इक्वली ड्रॉ है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स के साथ ADAS के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों कंपनीज की बढ़िया होती है। सो अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की, पहली बात, ये दोनों गाड़ियाँ आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल होने वाली है। अगर हम बात करें होंडा एलिवेट की, उसमें आपको एक 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 119 bhp एट द रेट 145 nm ऑफ टॉर्क
एंड ये गाड़ी में आपको हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, अभी नहीं मिलता, अभी सिर्फ एक इंजन ऑप्शन अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ अगर हम बात करें एम जी एस्टर की, उसमें आपको एक 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 108 bhp एट द रेट 114 nm ऑफ टॉर्क, एंड एक मिलेगा 1349 cc का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 138 bhp एट द रेट 220 nm ऑफ टॉर्क। एंड ये दोनों गाड़ियाँ आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के ऑप्शन में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सो ये थी मेरी वीडियो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कार्स। अगर हम बात करें एक्सटर्नल लुक्स की, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। एंड डायमेंशंस में तो ये दोनों गाड़ियों में आपको सेम डायमेंशंस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें इंटीरियर की, इंटीरियर में आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे होंडा एलिवेट में एंड कुछ एम जी एस्टर में, पर आपको एस्टर में बड़ा सनरूफ देखने को मिलेगा यानी कि फुल पैनोरामिक सनरूफ। सेफ्टी में यहाँ पे आपको इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स के साथ अडास के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें इंजन ऑप्शंस की, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इन एम जी एस्टर आज की रेट में। सो ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना, एंड कमेंट में ये भी बता देना कि आपके लिए कौन सी गाड़ी विनर है। सो वीडियो को इतना रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।